हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त रहोगे। मैं हूँ मीनल और वेलकम करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है मीनल फैमिली एंड हैप्पीनेस। फ्रेंड्स, गणपति बाप्पा आने वाले हैं अभी थोड़े ही दिनों में। मैंने गणेश जी के स्थापना की शुरुआत 2 साल पहले की थी मेरे घर पर, और इस साल तो बहुत कुछ डेकोरेशन करने का प्लानिंग था, लेकिन सब कुछ रह गया। यहाँ पर मार्केट में डेकोरेशन का सामान भी नहीं आया है अभी तक, इसलिए पिछले साल का जो भी थोड़ा मोड़ा सामान बचा हुआ था वो मैं चेक कर रही थी। कुछ गार्लैंड्स, थोड़े से फ्लावर्स और चुनरी तो एक ही बची थी मेरे पास, ब्लू कलर की। इस साल अलग अलग दुकानों में घूमकर सामान की खरीदारी करना ठीक नहीं है, इसलिए बची हुई चीजों से ही काम चलाना है। जो ज़्यादा इसेंशियल सामान है उसे बस एक शॉप से खरीद कर लाया जाएगा। गणेश जी की मूर्ति तो बुक कर ली है, बस अब उनके घर में आने का वेट हो रहा है। और बीच बीच में सुरभि भी है। जब घर में कोई फेस्टिवल की तैयारियां हो रही होती है तो सबसे ज्यादा एंथुजियाज्म बच्चों में होता है। सुरभि को तो और भी ज्यादा देर खेलने का मन था, लेकिन मुझे लंच की तैयारी करनी थी। और घर के बाकी छोटे मोटे काम निपट के लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ मैं अब। आज मैं यहाँ एकदम सिंपल सा दाल राइस बनाने वाली हूँ। एकदम सिंपल बट बहुत टेस्टी वाली दाल बनाएंगे। इसके लिए मैंने तुअर की दाल, जिसे अरहर की दाल भी कहा जाता है, वो और थोड़ी सी लाल मसूर की दाल मिक्स करके ली है। तो टोटल 3/4 कटोरी जितनी दाल है ये। इसे एक बर्तन में अच्छे पानी से वॉश करके लेना है, और इसमें 2.5 कटोरी के करीब पानी डाला है। थोड़ा बहुत आगे पीछे डिपेंड करता है कि दाल कैसी है या फिर आपने कितनी ली है। मैंने यहाँ 2.5 कटोरी पानी लिया है। जिस कटोरी से दाल मेजर की थी उसी कटोरी से पानी भी मेजर किया है मैंने। थोड़ा सा नमक और बस थोड़ी सी ही हल्दी पाउडर डालकर दाल को कुकर में बॉईल करके लेना है। पच्चीस से 30 मिनट मीडियम फ्लेम पर इसे 3 सीटी लगाई है कुकर में। दाल अब अच्छे से बॉईल हो गई है तो उसमें थोड़ा सा ही विस्क चलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, दाल दिखनी चाहिए उसमें। अब कढ़ाई को गरम करने रखा है और उसमें 2 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है। दाल आधे घंटे तक बॉईल हो रही थी कुकर में, तब तक मैंने फाइनली चॉप करके रखे थे 2 मीडियम साइज के अनियन, 4 से 5 लहसुन की मतलब गार्लिक की कलियां, वो भी फाइनली चॉप करके रखी है, और 2 मीडियम साइज की हरी मिर्च कट करके रखी है यहाँ पर मैंने।
आपको अगर ज़्यादा तीखा पसंद है तो हरी मिर्च थोड़ी ज़्यादा ले सकते हो। तेल गरम हो जाएगा तो उसमें 1/4 चम्मच राई डालनी है। जीरा नहीं डाला है मैंने यहाँ। जब राई अच्छे से स्प्लटर हो जाएगी, फूट जाएगी, तो उसमें कटी हुई प्याज और हरी मिर्च डालनी है। स्लो से मीडियम फ्लेम पर चम्मच चलाते हुए प्याज को भूनना है यहाँ। प्याज को थोड़ा ज़्यादा ही भूनना है, मतलब कच्चा नहीं रखना है उसे, वरना दाल में वो कच्चा कच्चा प्याज खाने में फिर अच्छा नहीं लगता है। मीनवाइल एक टमाटर चॉप करके रख लिया था मैंने। मैं हमेशा थोड़ा ज़्यादा ही टमाटर चॉप करती हूँ, क्योंकि सुरभि को बहुत पसंद है टमाटर खाना, तो वो थोड़ा खा जाती है उसमें से। अब बारीक कटा हुआ गार्लिक डालना है। 2-3 मिनट अच्छे से चम्मच चलाते हुए भूनना है, ताकि गार्लिक का जो कच्चापन है वो हट जाएगा। अब इसमें ऐड करना है टमाटर। एक मिनट तक अच्छे से सब मिक्स करना है और फिर इसमें नमक डाल देना है। नमक डालने से कुकिंग प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। बीच बीच में गैस का फ्लेम मीडियम हाई करते हुए टमाटर सॉफ्ट होने तक इसे फ्राई करते जाना है। सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से फ्राई किए हुए और थोड़े सॉफ्ट करने हैं, ताकि दाल में वो सब अच्छे से घुल मिल जाए। अब इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 3/4 चम्मच जितना धनिया पाउडर, ये डालकर अच्छे से मिक्स कर दें। वन फोर्थ चम्मच जितना जीरा पाउडर, और 1/4 चम्मच जितना गरम मसाला यहाँ ऐड कर देना है। अब ये सभी मसाले अच्छे से मिक्स होने चाहिए, इसलिए चम्मच चलाते हुए इन्हें फ्राई करते जाना है। बहुत ही थोड़ा सा गुड़ यहाँ पर ऐड किया है मैंने। ये मीठी दाल नहीं है, बस हमने जो भी मिर्च, गरम मसाला वगैरह इसमें डाला है, उन सभी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा गुड़ डाला है। गुड़ डालना यहाँ पर एकदम ऑप्शनल है, नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। और जब ये गुड़ अच्छे से घुल जाएगा
तो अब दाल ऐड करनी है इसमें। ये दाल अभी काफ़ी गाढ़ी है, काफ़ी थिक है, तो इसमें पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से डाला है। टेस्ट और कलर आने के लिए इसलिए मसालों के वक्त थोड़ा ही डाला था मैंने, 1/4 चम्मच ही डाला था गरम मसाला। दाल को थोड़ा टेस्ट करके देखिए, मुझे थोड़ा नमक कम लगा तो मैंने ऐड कर दिया। मीडियम कंसिस्टेंसी की दाल बनानी थी मुझे, इसलिए थोड़ा पानी और ऐड किया था मैंने। अगर आप थिक दाल खाना पसंद करते हो तो ज़्यादा पानी ना डालें। मैंने राइस बनाया था इसलिए मुझे मीडियम थिकनेस की दाल बनानी थी। और अब जबकि हमने दाल में ऊपर से पानी ऐड किया है तो इसे उबालना ज़रूरी है, ये कच्चा पानी उबाल कर लेना ज़रूरी है। अब हमें इसे बॉईल करना ज़रूरी है, इसलिए दाल को उबालने के लिए रखना है लो टू मीडियम फ्लेम पर। दाल में थोड़ा सा उबाल आ जाएगा तो 1 चम्मच घी ज़रूर ऐड करें इसमें। इसके वजह से दाल का टेस्ट, रिचनेस, फ्लेवर सब कुछ बढ़ जाएगा। दाल को अपने डाइट में रोज़ ज़रूर शामिल करना चाहिए, किसी भी टाइप की दाल हो फिर चाहे वो, क्योंकि दाल तो प्रोटीन से भरपूर होती हैं। अब जब ये दाल अच्छे से बॉईल हो जाएगी तो उसमें हरा धनिया चॉप करके डाल दीजिए। जब रोटी या पराठे खाने का मन नहीं है तो बेशक ये दाल बनाइए। मैंने दाल राइस के साथ करेले की भुजिया बना ली थी और पापड़ भी रोस्ट कर लिए थे। गरम गरम राइस, टेस्टी और हेल्दी दाल, उसके साथ कोई भी ड्राई सब्जी, और अगर सब्जी नहीं भी है तो भी चलेगा, ये दाल ही अपने आप में एकदम कंप्लीट है। मम्मी लोग अगर सिंपल एंड टेस्टी लंच बनाना है तो ये ज़रूर ट्राई कीजिए और अपनों को खिलाकर खुश कीजिए। मैं फिर मिलूँगी आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।